दोस्तों आज हम बताने वाले हैं Realme कॉल बैरिंग। Realme मतलब कोई भी Realme फ़ोन हो सकता है और दूसरे मोबाइल पे भी कॉल बैरिंग सिस्टम लगा सकते हो। कॉल बैरिंग का सिस्टम का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। कॉल बैरिंग ये होता है, देखो आपका जो कॉल करते हो वो कॉल बैरिंग सिस्टम से अगर आप कॉल देगी कि इधर भी कॉल नहीं जाएगा, आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएगा और चाहो तो इनकमिंग कॉल भी बंद कर सकते हो और STD जो IST होता है इंटरनेशनल कॉल उसको भी बंद कर सकते हो। आप टोटल फुल जो मोबाइल का कॉल सिस्टम है टोटल बंद कर सकते हो, आउटगोइंग इनकमिंग टोटल बंद हो सकता है। आप चाहो किस काम में बिजी हो या चाहते हो कुछ देर के लिए बंद करने के लिए, अभी बिजी हो बार बार कोई परेशान कर रहा है, तो कॉल बैरिंग सिस्टम ऑन करने के बाद आपका वो सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा, कॉल जाएगा नहीं भी आएगा नहीं। वो कैसे करता है काम, वो क्या होता है मैं अभी दिखाता हूँ। और ये दिखा तो दूंगा मगर ये इसमें पासवर्ड, पहले पासवर्ड इम्पोर्टेंट, पासवर्ड अगर दोगी तो खुलेगा, वो एक्टिव होगा, इसको ऑन कर सकोगी कॉल बैरिंग सिस्टम को। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। वो पासवर्ड के बारे में बोलेंगे, वो पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, पासवर्ड क्या है, और ये पासवर्ड भी किधर से भी नहीं मिलेगा, आप जितना भी ढूंढो मिलेगा। कोई कोई मोबाइल में डिफॉल्ट होता है, फिर भी बहुत सारे जो पासवर्ड होता है ना वो अलग सिस्टम से आता है। क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप सेटिंग, सॉरी पहले आप फ़ोन पे क्लिक करो, फ़ोन जो डायलर है फ़ोन डायलर पे क्लिक करो। फ़ोन डायलर क्लिक करने के बाद फिर इधर 3 डॉट आ जाएगा, 3 डॉट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वही सेटिंग फिर आ जाएगा, सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर आपका देखो कॉलिंग अकाउंट है, Realme मोबाइल पे कॉलिंग अकाउंट है। आप दूसरे मोबाइल में आप चेकिंग कर सकते हो, उस ऑप्शन आ जाएगा, वही कॉलिंग अकाउंट होगा नहीं तो कॉल होगा उधर भी हो सकता है। क्लिक करो कॉल अकाउंट पे, कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर आपका आ जाता है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग क्लिक करने के बाद इधर देखो कॉल रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड सब डिटेल्स आ जाता है। इसके बाद आ जाता है कॉल बैरिंग, कॉल बैरिंग पे क्लिक करो। कॉल बैरिंग पे क्लिक करने के बाद आपका देखो अभी रीडिंग सेटिंग कर रहा है, सेटिंग से रीडिंग कर रहा है, रीडिंग से रीडिंग करने के बाद आ जाएगा देखो इधर आउटगोइंग कॉल्स और ऑल आउटगोइंग कॉल्स, आउटगोइंग इंटरनेशनल रोमिंग कॉल्स, ये सब डिटेल्स है, रिजेक्ट ऑल कॉल, ये सब है। आप जो चाहो अपनी मर्जी से कॉल बैरिंग लगा सकते हो, मतलब सारे कॉल आएगा नहीं जाएगा नहीं, आपकी मर्जी से कर सकते हो। देखो ये सब हो गया, इसको ऑन कैसे करेंगे, मान लो मैं अभी ऑल आउटगोइंग कॉल ऑन करूंगा। ऑल आउटगोइंग कॉल ऑन करने के बाद फिर राइट साइड क्लिक करूंगा तो ऑन होगा, फिर पासवर्ड मांगता है। देखो अभी देखो मैंने ऑन करने की कोशिश किया, वो पासवर्ड मांगा, पासवर्ड इधर देता हूँ, वो डिफॉल्ट में आ जाता है। देखो 1 2 3 4 किसी का मोबाइल में मतलब 40 आ जाता है डिफॉल्ट सेटिंग में, हमारा इधर नहीं है, जो सिम का कंपनी होता है उधर से सेट है। ये देखो इसको ओके किया, ये अभी ऑन नहीं हुआ, वो पासवर्ड मांगता है। अगर इधर से नहीं होता है तो आप बैक करो सीधा, आप सेटिंग आ जाओ, सेटिंग आ जाओ। सेटिंग आने के बाद फिर आपको देखो मोबाइल नेटवर्क ढूंढना है, मोबाइल नेटवर्क पे जाओ, फिर जो सिम को कॉल बैरिंग लगाना चाहते हो वही सिम पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर आप इधर चेकिंग कर लो आपका जो लेटेस्ट मतलब है 4G या 3G जो लास्ट में है उसको सिलेक्शन करो, सिलेक्शन है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन 4G 5G है तो सिलेक्शन कर दिया। इसके बाद आ जाओ एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम में आ जाओ। नेम आने के बाद ऊपर 3 डॉट आएगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर दो। फिर इसके बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट आ जाएगा, रीसेट एक्सेस पॉइंट इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर रीसेट एक्सेस पॉइंट पे जो रेड लेटर में लिखा है उसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद रीसेट हो गया, फिर बैक आ जाओ। बैक आने के बाद फिर आप वही कॉल जो डायलर है ना डायलर पे लगाओ, सेटिंग पे आ जाओ, फिर सेटिंग आ जाओ। सेटिंग आने के बाद फिर कॉलिंग अकाउंट, फिर एडवांस सेटिंग जो पहले वाला सेटिंग था उधर आ जाओ, फिर टेस्ट करो होता है कि नहीं। फिर आप देखो इधर कॉल बैरिंग है, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो अभी देखो थोड़ी देर में आ जाएगा। और इससे पहले आपको बोलता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं टेक रिलेटेड वीडियो सारे बनाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ऑल आउटगोइंग कॉल मैंने अभी उसको ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद फिर पासवर्ड मांगता है 1 2 3 4 डिफॉल्ट जो होता है मैं उसको दे देता हूँ, फिर भी नहीं होता है
ये हमारा कस्टमर केयर से कंप्लेन करने से मतलब पूछने से कॉल लगाने से पता चलेगा वो उधर से सेट है, आप उधर से वो बता देंगे तो उसका पासवर्ड क्या है, कॉल बारिंग का पासवर्ड क्या है, कस्टमर केयर से फ़ोन लगा के पूछो। एयरटेल का 1980 लगा सकते हो और जियो का भी वही 198 पे लगा के फ्री में कॉल करके पूछ सकते हो कॉल बारिंग का पासवर्ड क्या है। पूछने के बाद ये जो पासवर्ड मांगता ना वही पासवर्ड दे दो, देने के बाद ऑन हो जाएगा, अपनी मर्जी से कोई भी कॉल सब ब्लॉक कर सकते हो, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा कॉल बारिंग अगर लगा देंगे, ऑल आउटगोइंग कॉल ब्लॉक हो जाएगा, इधर से नहीं जाएगा और इनकमिंग भी नहीं आएगा, ये सारे सब रिजेक्ट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, उसका फ़ायदा यही है, बस इतना बोलता हूँ। और पासवर्ड कैसे मिलेगा पता भी आपको चला गया, किसी किसी मोबाइल में भी वो डिफ़ॉल्ट में होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, नहीं तो 4 0 लगाना पड़ता है, 4 0 उसका पासवर्ड होता है। अगर ये दोनों से नहीं होता है सीधा कस्टमर केयर के कॉल करो, वो बता देंगे। थैंक यू, इतना बोल के मैं वीडियो रखता हूँ।